नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। और बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस है और पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ बीजेपी ने इसको मनाया है। दिल्ली से लेकर के भोपाल तक पूरे देश में बीजेपी ने इसको लेकर कई आयोजन किए, जहां पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं का जमकर उत्साह बढ़ाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से भरने का एक संदेश दिया। मध्य प्रदेश में भी तमाम जिलों में बीजेपी नेताओं ने पार्टी का झंडा बुलंद किया। सुबह 8 बजे से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता प्रभात फेरी निकालते हुए नजर आए। इसके बाद तमाम पार्टी कार्यालय पर पार्टी के झंडे फहराए गए। बीजेपी ने आज से 15 अप्रैल यानी कि अंबेडकर जयंती तक जनसंपर्क का एक बड़ा अभियान भी इसी के साथ शुरू किया है। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ता खुद घर घर जाकर झंडा लगा रहे हैं, लोगों से संपर्क करके उनके घरों के ऊपर भी पार्टी का झंडा लगाया जा रहा है। तो बीजेपी स्थापना दिवस के कार्यक्रम के जरिए जनता से ज्यादा जुड़ाव करना चाहती है। मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी स्थापना दिवस से संकल्प को लेकर के जुट गई है। इस मौके पर भोपाल में बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी का झंडा बुलंद करते हुए बीजेपी को देश की सबसे बड़ी और सशक्त और राष्ट्रवादी पार्टी बताया। इसके बाद सीएम ने भोपाल में अलग अलग कई कार्यक्रमों में कई योजनाओं की भी शुरुआत की। सीएम ने प्रदेश भर के युवाओं से एक तरफ जहां संवाद किया, उनके हित में लिए गए फैसलों से उनको रूबरू करवाया, तो फिर कॉलेज के छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब भी दिए। सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता की वो भक्ति करती है, जबकि कांग्रेस एक परिवार की भक्ति वाली पार्टी बनकर रह गई है। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने यह कहा कि बीजेपी खुद का स्थापना दिवस मनाकर खुश हो रही है, लेकिन उसे प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबों की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी के स्थापना दिवस को ढकोसला और दिखावा करार दिया। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे आज की बड़ी बहस। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा था वो आपको सुनवा। राजनीति में एक वैकल्पिक विचारधारा जो भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं के आधार पर देश और समाज के निर्माण की थी, उसको लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। लाखों लाख कार्यकर्ताओं के घनघोर परिश्रम और तपस्या से जनसंघ लगातार पुष्पित और बल्लभित होता गया, आगे बढ़ता गया। भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता काम करते हुए संघ के स्वयंसेवक भी थे, आगे बढ़ रहे थे। तब जनता पार्टी से भारतीय जनसंघ अलग हुआ और तब भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। और समय हमें याद है, अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और ये हम सबके लिए गौरव और गर्व की बात थी कि अटल जी और अडवाणी जी के नेतृत्व में पहली बार देश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद भारतीय राजनीति में उदय हुआ एक नए युग का। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पूरा देश आज ऊर्जा से भरा हुआ है और भारत आज दुनिया में एक ऐसी ताकत है कि जिसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता। आज हम गर्व से भर जाते हैं तब जब कभी महाशक्तियां कहलाने वाले राष्ट्र भी भारत की तरफ देखते हैं। देखिए, आज हमारा स्थापना, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अंतर विरोधों से जूझ रही है, ना दिशा है, ना गति है, ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। कई बार वो नकल करने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके अंदर से ही विरोध के स्वर उठते हैं।
कांग्रेस बिखर रही है, कांग्रेस का कुनबा टूट रहा है और इसलिए अलग ढपली और अलग राग उनके निकल रहे हैं। लेकिन मैं तो आज भाजपा के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दे रहा हूं। अपना स्थापना दिवस तो बड़े जोर शोर से मना रहे हो, लेकिन ये आम आदमी स्थापित हो जाए इसके लिए कुछ करो। ये डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, ये वेट टैक्स ही कम कर दो आज की तारीख में, स्थापना दिवस पे आज घोषणा कर दो कि इन सबको इनके बिजली के बिल माफ, इनको रोटी कपड़ा मकान मिल जाए। रोटी कपड़ा मकान, लड़ाई अब वहां पर आ गई वापस, जो 50 साल पहले शुरू हुई थी रोटी कपड़ा मकान, वहां हम वापिस आ गए और ये अपना स्थापना दिवस मना के इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप मौका है बीजेपी दिवस का, लेकिन ऐसे अवसर पर आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है, 2 सांसदों से लेकर के 302 तक का जो सफर तय किया गया है उसके बीच में पार्टी ने किस तरह की परिस्थितियों का सामना किया है, आज इन सारे विषयों की चर्चा हुई है। खुले तौर पर आज आपने देखा कि बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ, प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह भरा, मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आपको देखे, कई अलग अलग कार्यक्रमों में आज मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी रही, प्रदेशवासियों को भी सौगात दी। लेकिन चूंकि लोकतंत्र के अंदर विपक्षी पार्टियों की भी भूमिका है और ऐसे में कांग्रेस को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो कांग्रेस के अंदर न नीति है न दिशा है, ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई, कांग्रेस बिखर रही है। और इसी का सवाल जब कांग्रेस की तरफ से पूछा गया तो कांग्रेस का यह कहना है कि इस समय देश के अंदर जो मुद्दे हैं, खासतौर से प्रदेश के अंदर महंगाई का जो मुद्दा है उसको छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है, जबकि जनता के बारे में भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। तो आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी का आज 42वां स्थापना दिवस है, लेकिन दूसरा जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं इसको किस तरह से देखा जाए। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। वियान खोंगल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। वियान खोंगल जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और अनिमेश भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। अनिमेश भार्गव जी आपका भी स्वागत है। अनिमेश भार्गव जी, एक तो आज 42वां स्थापना दिवस है, आपको बधाई, लेकिन इसी के साथ साथ जो सवाल खड़े किए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिखर रही तो उन्होंने कहा कि भाई प्रदेश के अंदर महंगाई है, इस समय इतनी समस्याएं हैं, आप लोग अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं और बेहतर हो कि अगर आप प्रदेश की जनता को राहत दें तो यह सही मायने में आपका स्थापना दिवस होगा। एक रिएक्शन में चाहूंगा आपका इसके ऊपर। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अनिमेश भार्गव की तरफ नमस्कार। आपने मुझे बधाई दी उसके लिए धन्यवाद। अब आपने सवाल जो किया कि कांग्रेस पार्टी इस तरह से प्रश्न उठा रही है, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस जो है वो पार्टी स्तर की बात है, इसमें कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक विचार की बात नहीं, ये तो हमारी जो पार्टी की स्थापना हुआ है उस दिवस को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमने शून्य से चालू करके आज शिखर तक जो हमारी पार्टी पहुंची है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से, हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं जिनकी वजह से आज पार्टी इस मुकाम पे पहुंची है, तो कहीं ना कहीं ये आज भारतीय जनता की तरफ से ही हमको ये हक दिया गया है कि आज हम इस दिन को उत्साह के साथ मनाएं, इस दिन को सेलिब्रेट करें। अब अगर कांग्रेस पार्टी अगर किसी पार्टी के स्थापना दिवस में भी रोजगार को ढूंढे, कांग्रेस पार्टी अगर किसी पार्टी के स्थापना दिवस में भी बेरोजगारी को ढूंढे और इस तरह के मुद्दे उठाए तो मेरे हिसाब से औचित्यहीन बात है, क्योंकि आज कोई आज जो हमारा स्थापना दिवस का कार्यक्रम था ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारा पार्टी विजित का मुद्दा था जिसमें हम अपनी पार्टी की उपलब्धियों को, अपने पार्टी के विकास को, अपने जुड़े हुए कार्यकर्ता। अनिमेश भार्गव जी भाई, देखिए पार्टी का तो आपका है स्थापना दिवस और आप मना रहे हैं, लेकिन भाई प्रदेश में उसी पार्टी की तो सरकार है ना जिसका स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है, तो भाई वो तो ये सवाल पूछ सकते हैं कि प्रदेश की जनता को अगर आप आज स्थापना दिवस पे थोड़ी राहत दे दें तो थोड़ा और अच्छा होगा, उनका सवाल तो जायज है। नहीं, देखिए फिर अगर देखिए आज अगर पार्टी की स्थापना दिवस पे किसी तरह की राहत सरकार दे देती है तो फिर कांग्रेस पार्टी मुद्दा ये बनाएगी कि ये अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए लोगों को धराहत दे रहे हैं, ना कि एक सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर उसको राहत दे रहे हैं, अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए राहत दे रहे हैं, तो ये तो विपक्ष का काम है, वो निरंतर कुछ ना कुछ उनको बोलना है। हाँ, ये जरूर हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पास एक ऐसा विपक्ष है जो कभी भी कोई भी मुद्दा हो उसमें सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, यही बात लेके आज देखिए हमारी डिबेट जिस बात पे है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज हमने उत्साह पूर्वक मनाया, उस बारे में अगर कांग्रेस पार्टी कोई अपने विचार रखती, कोई उस बारे में अगर अपनी बात रखती तो ये बात समझ में आता। अगर वो कोई और हमको एक अच्छा सुझाव देती कि आप और इस तरह से विकास कर सकते हैं, एक अच्छी राजनीतिक पार्टी भारत को दे सकते हैं, आम जनता को दे सकते हैं, वो ना करते हुए एक वही घिसे पिटे ढर्रे पे, वही हर मुद्दे पे वही बात रखना, हर वही बात रखना,
ये मेरे हिसाब से एक मतलब बोलने मान ये मानसिकता का काम है, बाकी इसमें कोई मुझे लगता है कि आधारभूत मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के तारतम्य में नहीं है। चलिए वियान खुंगल जी से मैं इस पर रिएक्शन लेता हूं। वियान खुंगल जी, एक तो जवाब दीजिएगा अनिमेश जी का, और दूसरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो 2 सांसदों से 302 तक का सफर तय कर लिया, लेकिन आप वहां से डिक्लाइन होते हुए सिर्फ 2 राज्यों पर सिमट गए। क्या इस विषय पर कुछ विचार किया है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से कैसे खड़ी हो पाएगी? आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, मेरी ओर से भार्गव जी को और दर्शक जो हमारे देख रहे हैं उनमें जो भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, उनको मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र जो है, किसी भी पार्टी का, न केवल भारतीय जनता पार्टी का, किसी भी पार्टी का मूल चरित्र जो है उसके संविधान और उसके जो उद्देश्य है, जिनके जब वो पार्टी चालू हुई थी उसका जन्म हुआ था, उसके जो संविधान और उसके जो चरित्र है वहां से समझा जा सकता है। 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो रही थी, तो अध्यक्षीय भाषण में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2 चीजों का बहुत पुरजोर तरीके से जिक्र किया था। एक था कि पार्टी गांधीवादी विचारधारा पर चलेगी, और दूसरा एक सेक्युलर स्टेट के रूप में जो है भारत की स्थापना करने में वो सहायक रहेगी। दूसरा, यदि मैं बात करूं तो संविधान के, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर गांधीवादी विचारधारा की बात की गई है, बात की गई है सेक्युलर स्टेट की। समाजवाद नाम का शब्द सबसे पहले और बड़े बड़े शब्दों में समाजवाद की बात की गई है। ये सारी चीजें क्या आज हम भारतीय समाज के अंदर, जब भारतीय जनता पार्टी का आज मध्य प्रदेश की बात करें तो विगत 17-18 वर्षों से, और इस देश में बात करें तो लगभग 7-8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन काल है, क्या राजनीतिक मूल्य हों, क्या सामाजिक मूल्य हों, क्या गांधीवादी विचारधारा हों, क्या इन सब पे भारतीय जनता पार्टी आज कार्य कर रही है? इंट्रोस्पेक्शन और आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को आज है। नहीं नहीं विराट गोंगल जी, आपको, आप लोगों को इस चीज की आत्मचिंता और आत्ममंथन करने की आवश्यकता क्यों नजर नहीं आती कि भाई एक तो ये 2 से 302 पर पहुंच गए, और आप लोग जो कभी 400 तक सीटों लाए थे, आप लोग आज आप लोग सिर्फ 2 राज्यों में सिमट कर रह गए। तो मुझे लग रहा है कि आत्मचिंतन तो आपको ज्यादा करना चाहिए, अगर उन विचारधाराओं को आपको लगता है कि जीवित रखना है, तो उस पर तो चिंतन मंथन दिखता नहीं कांग्रेस पार्टी का। सुनिए सर, ऐसा कोई विचारधारा इस देश के, इस विश्व के अंदर आज तक नहीं हुई है जिसने उतार चढ़ाव नहीं देखे हो अपने जीवन में। कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने 70 सालों तक इस देश को और समाज को एक सूत्र में पिरोकर रखने के बावजूद, 0 से उठाकर, जब सुई नहीं बनती थी इस देश के अंदर, वहां से उठाकर खाद्यान्न के मामले में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में 2 पैरों पर खड़ा किया, $2.5 trillion की इकोनॉमी बनाया और सुपर पावर बनाकर इस देश को एक सुपर पावर बनने की दिशा में अग्रसर करके खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी थी वो पार्टी जिसने ऐसा किया है। मुझे गर्व है कि मेरे पूर्वज तो कह रहे ना कि वो कांग्रेस पार्टी थी। मैंने सवाल किया कि अभी क्या है, मेरा सवाल प्रेजेंट को लेकर के, मैंने कहा इनकार किया, आपने नहीं किया होता तो आपको 70 साल तक इस देश की जनता नहीं चुनती। वियान खुंगल जी, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अगर आपने नहीं किया होता तो 70 साल आप देश के अंदर नहीं होते, लेकिन आपने किया, उसके बावजूद आज ये स्थिति क्यों हो गई? आप कांग्रेस पार्टी की चिंता ना कीजिए, जो जो देश के अंदर आज सामने जो मुद्दे खड़े हुए हैं, जो जो बात हम कर रहे हैं बेरोजगारी। वियान खुंगल जी, पत्रकार होने के नाते मेरा काम है, जो आईना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। बाद में मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, ना मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आप बोले कि भाई आप उनकी चिंता करते हैं, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, ये अलग बात है। भार्गव जी को ये अलग बात है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा। भार्गव जी को टोक रहे थे जब वो कह रहे थे कि महंगाई बीच में ले आते हैं, बेरोजगारी बीच में। सवाल किसने पूछा महंगाई का? सवाल किसने पूछा महंगाई का? अनिमेश भार्गव जी से किसने पूछा महंगाई का सवाल? मैंने पूछा, इसलिए आप सुनिए धैर्य रख करके। और मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा वियान खुंगल जी, ये मैं समझ पा रहा हूँ। भाई अब आपसे मैं ये पूछ रहा था कि भाई क्यों 2 पर आ गए, आपको बुरा लग गया? अनिमेश भार्गव जी, मैं तो आपको बोल भी रहा हूँ कि हर विचारधारा को अप्स एंड डाउन और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। अभी प्रेजेंट में तो है ना, 70 साल तो आपने किया वियान खुंगल जी, 70 साल तो आपने किया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आपने अच्छा किया होगा तभी 70 साल आ पाए, लेकिन अभी क्यों हो गया, इस पर आत्ममंथन करिए, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। अनिमेश भार्गव जी, जवाब दीजिए भाई इस बात का कि आप लोगों की विचारधारा जो थी उससे तो आप लोग भटक गए, उन्होंने तो अटल बिहारी वाजपेयी और आप लोगों का जब पार्टी बनी जनसंघ से, तो उसके बाद से लेकर उन्होंने बताया, आप तो अपना संविधान आपको याद दिला रहे हैं वो। नहीं नहीं, देखिए क्या है, ये
मैं इसमें क्या कहूँ, वो हमें याद दिला रहे हैं, मुझे लगता है शायद वो अपनी ही बातों को कुछ याद रखते हैं, तो आज ये जो स्थिति बनी है वो स्थिति कांग्रेस पार्टी की नहीं होती। लेकिन फिर भी देखिए क्या है, अगर वो अगर वर्तमान में भी मैं ये कहता हूँ, अगर विपक्ष एक सकारात्मक मुद्दे अगर उठाए, अगर उसे लगता है कि कोई ऐसी कमी छूट रही है जिसमें सुधार किया जा सकता है और चीजों को और अच्छा किया जा सकता है, तो ये एक अच्छे विपक्ष की भी भूमिका होगी लोगों में। लेकिन अनिमेश जी भाई देखिए, आपने कहा सकारात्मक विपक्ष, तो मुझे बताइए भाई महंगाई का या फिर बेरोजगारी का मुद्दा उठाना तो बिल्कुल सकारात्मक है भाई, इस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको तो निजात दिलानी पड़ेगी ना, आज हो या कल हो, आपकी पार्टी का स्थापना दिवस हो या ना हो, लेकिन ये सवाल तो उठाना उनका धर्म है और वो उठा रहे हैं उस सवाल को, वो तो बिल्कुल सही बात है। नहीं मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये मुद्दे जो उठा रहे हैं वो मुद्दे उठाना चाहिए, लेकिन आज हमारी जिस बात पर डिबेट है, आज का जो डिबेट का टॉपिक रखा गया है, उस बात में मुझे लगता है ये मुद्दे रिलेवेंट नहीं है। क्योंकि देखिए आज हम जो आज हमारा डिबेट का मुद्दा है वो पार्टी का एक पार्टी की स्थापना के संबंध में है। आज पार्टी स्थापित हुई, अपने मूल्यों पे आगे बढ़ी, लोगों के बीच में गई, लोगों के बीच में उन्होंने मूल्यों को लेकर के भी अनिमेश जी सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि आप लोग जिस मूल्यों के साथ या फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने जिन जिन बातों का जिक्र किया या फिर आपके संविधान आपकी पार्टी के संविधान की जो बातें, आप लोग तो उससे भटक गए। नहीं नहीं देखिए वो अगर हम भटक गए होते तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आज हमें न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जो लोगों की तरफ से स्वीकारता प्राप्त हो रही है, लोगों की तरफ से समर्थन प्राप्त हो रहा है, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, क्या वो प्राप्त होता? देखिए क्या होता है आज, अगर आज मैं आज कोई बात बैठ के कह रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि आज से 20 साल बाद उसी तारतम्य में वो लागू हो सके, लेकिन कोई भी पार्टी हो या कोई भी सरकार हो, उसका जो वर्तमान परिस्थिति है उसके हिसाब से काम करना, उसके हिसाब से चीजों को एड्रेस करना और लोगों की समस्याओं को उस हिसाब से समझना काम होता है। हो सकता है आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी ने अपने जो संविधान है पार्टी का उसमें कुछ संशोधन करा है? संविधान नहीं नहीं, समय के साथ आपने कुछ बदल दी है चीजें? नहीं नहीं, हमारे जो मूल्य हैं, हमारी जो विचारधारा है, हम उसी विचारधारा पे काम कर रहे हैं। अगर आप हमारे पुराने मुद्दों को भी उठा के देखेंगे, पुराने हमारे आप नारों को भी उठा के देखेंगे, जो हमारे जो महान व्यक्ति हमारे मान ली अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो बात कर रहे हैं उनकी भी बात को अगर देखेंगे, तो ये अटल बिहारी जी का ही वक्तव्य था कि जब हमारे दो सांसद थे तब उन्होंने ही ये बात की थी कि एक दिन हम इस शिखर पे भी पहुंचेंगे, तो आज हम पहुंचे हैं। लेकिन अगर वो अगर हमारा जो संविधान है, हमारी पार्टी का जो विचारधारा है, अगर उससे भटक जाती तो क्या हमको ये सफलता प्राप्त हो पाती? नहीं हो पाती। हमारे शुरू से जो मुद्दे थे वो आज भी मुद्दे हैं। हाँ ये जो मुद्दा खत्म हो गया उससे आगे बढ़ रहे हैं। आज अगर ये बोले 370 था तो 370 अब चुका है, तो अब हम 370 को बैठ सकते ना, अब हमें आगे की भी बात, तुम आगे की भी बात कर रहे हैं। चलिए अभियान कोंगल जी, अगर ये भटक गए होते तो भाई इतने प्रदेशों के अंदर कैसे उनको बराबर जीत मिलती हुई नजर आ रही है? इसका मतलब तो ये है कि भाई वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें उनको जनता साथ दे रही है। देखिए मैं मूल सिद्धांतों से भटकने की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी को मोदी युग में या नए परिपेक्ष में, मेरा ये कहना है और जो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि नए परिपेक्ष में नई पैकेजिंग करके जनता के सामने प्रस्तुत किया। ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब स्थापित हुई है केंद्र में, तब इनके क्या मुद्दे थे? भ्रष्टाचार, महंगाई, 70 रुपए पेट्रोल था, आज 120 रुपए का हम डला रहे हैं। ठीक है, महंगाई हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, 2 करोड़ रोजगार हो गए। ये सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आई थी, पूरे बहुमत के साथ आई थी, वो मुद्दे कहां गायब है? मैं ये सवाल करना चाह रहा हूं, ये सवाल मैं जनता से भी करता हूं कि आपके को जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो गई, वो मुद्दे कहाँ हैं? फिर ले देकर हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, शमशान कब्रिस्तान, वहीं इनके पोलराइज करने वाले, ध्रुवीकरण करने वाले, जहर फैलाने वाले मुद्दे, जिसमें समाज के अंदर लगातार ध्रुवीकरण और जहर फैलाया जा रहा है। इसमें ज्यादा कमजोरी किसकी है भाई? देखिए इसमें ज्यादा कमजोरी बयान कोंगल जी किसकी है, क्योंकि इतने बड़े मुद्दे हैं और आप कह रहे हैं कि 14 में जिस मुद्दे को लेकर के आए तो फिर 19 में भी चुनाव जीत गए, तो इसका मतलब आप जनता के बीच में वो चीज पहुंचा नहीं पाए या आप कन्विंस नहीं कर पाए कि भाई ये गलत कर रहे हैं जिन मुद्दों को कह के आए। बहुत ही महंगाई की मार, आपकी बात मोदी सरकार और उसके बाद महंगाई को आप कह रहे हैं इशू है और जनता आपके साथ जुड़ नहीं रही। कोंगल जी बिल्कुल किसकी कमी कहीं ना कहीं हो सकता है। जब धर्म का दुरुपयोग करने वाले राजनीतिक दल जब सत्ता के शिखर पर आ जाते हैं ना सर, तो कहीं ना कहीं वो धर्म का की बैसाखी बना के, धर्म का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं वो अपने आप को सफल बनाने का, अपनी ब्रांडिंग, अपना प्रमोशन लगातार अपने ब्रांडिंग और प्रमोशन पे, अपनी मार्केटिंग पे जनता की गाड़ी कमाई का अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है।
तो ये सारी चीजें आज सोचने वाली है। एक सजग जनता इस बारे में सोचना चालू कर दिया उसने जब से देख रही है कि महंगाई किस ओर जा रही है। कांग्रेस पार्टी एक सजग विपक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक मुद्दा उठाया। आप देख लीजिए किसने कैश डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात की थी कोरोना काल के अंदर, किसने ऑक्सीजन से लेकर सारे जीवन उपयोगी दवाइयों की बात की थी। आज मकान बनाना महंगा, आज हमारे खाद्य पदार्थ देख लीजिए पिछले 6 सालों के अंदर डबल हो गए, ट्रिपल हो गए देश पर। लेकिन होंगल जी, फिर मैं वही सवाल फिर आपसे पूछूंगा, आपको बुरा लग जाएगा, मुझे ये बताइए ना कि भाई अगर इतने रेलिवेंट मुद्दे हैं, मैं आपके एक भी मुद्दे से ये नहीं कर रहा हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई ये मुद्दे तो आप लोग हमेशा उठाए। अभी तो आप देखिए ना, 4 स्टेट के अंदर इन्होंने फिर सरकार अभी बनाई है, अभी महीने भर भी नहीं हुए हैं और आप एक स्टेट को गवा चुके हैं जहां पर आप सरकार चला रहे थे। तो इसका मतलब यह है ना कि आप लोग जो चीज कन्वे करना चाहिए उस स्तर पर आपकी पार्टी नहीं कर पा रही, आप कैसे लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से? ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए पत्रकार होने के नाते। जब राष्ट्रीय चैनलों की, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं इस बात को कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप मुझे बताइए, मैं आप इस प्रदेश का एक सम्मानित चैनल है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, लेकिन मैं राष्ट्रीय चैनलों की बात करता हूं। जब हमारे देश का पूरा मीडिया 24 में से 18 घंटे लगातार सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष की बात करेगा और उनकी बढ़ाई करेगा, उनकी झूठी तारीफों के पुल बांधेगा, तो सर हमारी बातें जनता तक पहुंचेंगी कैसे? इसमें चौथे स्तंभ की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक चीज। दूसरी चीज, पैसा पूरे देश का, अधिकतर उद्योगपतियों के माध्यम से पूरे देश का पैसा उठा के एक जगह पूंजीवाद के माध्यम से जमा कर दिया गया है, पैसे की कोई कमी नहीं है। 4,742 करोड़ रुपए ये भारतीय जनता पार्टी का आज की डेट के अंदर जो है रेवेन्यू है, भारतीय जनता पार्टी की पूंजी इतनी है। जिस पार्टी, जो पार्टी पैरों से चलने वाली और जिस पार्टी को घर घर पैदल जाते थे जो कार्यकर्ता, वो आज फॉर्च्यूनर रेंज रोवर से चल रहे हैं। पार्टी विश्व की सबसे अमीर राजनीतिक दल बन गई कांग्रेस ने 70 सालों में। ऐसे कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को मैं जानता हूं, ऐसा नहीं है, और मैं पर्सनली भी जानता हूं, इसलिए ऐसा मत कहें कि केवल उधारी है, आपकी पार्टी में भी है सर, आपकी पार्टी में भी है और सारी पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी नहीं और भी क्षेत्रीय पार्टियां वहां पर भी है। ये तो पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना चाहिए, लेकिन ठीक है। अनिमेश भार्गव जी, देखिए कुछ रेलिवेंट बातें जो वो बता रहे हैं बार बार ज्ञान खोंगल जी, मैं चाह रहा हूं कि एक शार्प रिएक्शन उसके ऊपर आपका। मुझे लगता है कि आज की हमारी डिबेट जिस विषय पे स्थापना दिवस पे, हमको उस पे रहते हुए इस बात पे विचार करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी आके क्यों अपने स्थापना दिवस पे गर्व महसूस नहीं करती है, क्यों कांग्रेस पार्टी अपने स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाना चाहती है, क्यों वो सार्वजनिक नहीं करना चाहती है, क्यों जनता के बीच में ये बात लेके नहीं जाती है कि उनकी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की, क्यों वो ये नहीं जानना जनता के बीच में लेके जाना चाहती है कि कांग्रेस की पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो महात्मा गांधी जी ने आजादी मिलने पर कांग्रेस पार्टी के लिए क्या विचार रखे थे, आखिर क्यों वो अपनी पार्टी की बात को ये जनता के बीच में लेके नहीं जानती कि जो उनके आदर्श पुरुष है महात्मा गांधी जी, उन्होंने कहा था कि आजादी मिलने के बाद अब कांग्रेस पार्टी का हमको खत्म कर देना चाहिए। तो देखिए ये कुछ ऐसे विषय है, स्थापना दिवस एक ऐसा विषय है कि जिस कार्यकर्ता को अपनी पार्टी की स्थापना दिवस पे गर्व होता है वो इसको इस तरह उत्साह पूर्वक मनाता है, लेकिन जो पार्टी ठीक है फिर तो अनिमेश जी, ये देखिए ये भी उनके अपनी पार्टी का विषय है, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया है, लेकिन इसी के साथ विपक्ष ने जो सवाल खड़े किए हैं, आवश्यक यहां पर यह है कि ये जो सवाल विपक्ष यहां पर खड़े कर रहा है ये जनता तक पहुंचाए, क्योंकि अगर इसको नहीं पहुंचाएगा तो फिर विपक्ष के तौर पर भी उनकी जो प्रासंगिकता है उस पर सवाल खड़े होंगे। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।